जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में रवि प्रदोष व्रत कथा सुनाऊंगी। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूची महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूजी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूजी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूची बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है, वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आगे की सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।